ओम बाबा जी, हम तो 2003 से आपको फॉलो करते हैं। 2003 में मुझे जबरदस्त सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया था कि अभी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर पे रोटी भी नहीं बना पाएंगे, ये सब बताते थे। तो एक दिन में एक ही डॉक्टर ने ही मुझे बताया, आप आस्था चैनल देख लीजिए। तो आस्था चैनल देख लिया तो आपका प्रोग्राम चालू था और आपने उसी टाइम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में ही बता रहे थे। तो आपने बताया कि 15 मिनट कपाल भाती, 15 मिनट अनुलोम विलोम और ये सब छोटा छोटा एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम करना, और मैं सब पूरा सुन लिया। तब तक मुझे कुछ हाथ से कुछ कर नहीं पाते थी, मैं उठना बैठना सब मुझे बहुत बहुत तकलीफ होता था। फिर जैसा आपने बताया तो पूरा सुन लिया। सुनने के बाद टीवी ऑफ करके 15 मिनट कपाल भाती बरोबर टाइम लगा के 15 मिनट अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करने के लिए मुझे हाथ नाक लेके भी नहीं जा सकते थे, बहुत तकलीफ था। वो सब करके, सूक्ष्म व्यायाम सब करके करके करके, सब टैबलेट सब बंद करके, 1 महीने में मैंने अपने आप को पूरी तरफ से ठीक किया। फिर आप बताते रहते, मेरा गुरु दक्षिणा है, तुम सब जन को सिखाना। तो फिर मैं उस बहुत जन को घर पे, सबको आजू बाजू में, सब बिल्डिंग में, सबको सिखाते गया। फिर आप बताया तुम टीचर बन जाओ। तो फिर मैं पतंजलि का वहाँ पे जाके टीचर बने। फिर वहाँ से और भी कुछ सीखते गए, YCB का भी क्लास की सब भी किया। अब तो इसी में खो गई है।